तो गाइस आज हम बनाएंगे एक बीदर रोज फार्म, जिसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले एंड वर्ल्ड में चले आना है और मटेरियल लिस्ट में आपको ये सभी आइटम्स अपने साथ लाने हैं। आपको तीन चार भांग की गोली, तीन चार बियर की बोतल, अरे नहीं, आपको 16 स्टैक बिल्डिंग ब्लॉक, 16 ऑप्सीडियन, कुछ लेडर्स, एक पॉडजॉल ब्लॉक, कुछ बोन मिल, एक सनफ्लावर, एक रेड मशरूम, दो वाटर बकेट, तीन चेस्ट, दो हॉपर, एक इंग्लिश की बोतल, एक पौआ, अरे ये नहीं, आपको एक डिस्पेंसर, एक रेडस्टोन रिपीटर, एक रेडस्टोन टॉर्च, एक रेडस्टोन डस्ट, एक लीवर, कुछ सोल सैंड और बीदर स्कल लेकर अपने एंड वर्ल्ड में चले आना है। इधर कहीं जाने के बाद आपको सबसे पहले अपने एंड सिटी के गेटवे पर पहुंच जाना है। अभी फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस एंड सिटी के गेटवे का ऊपर का जो बेडरॉक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक डर्ट ब्लॉक प्लेस करना है, जिसके ऊपर एक सनफ्लावर ग्रो कर देना है। अभी गाइस आपको पता होगा सनफ्लावर ईस्ट साइड जो है फेस करता है, यानी कि हमको इसकी अपोजिट वाली साइड लेनी है। तो हमको वेस्ट डायरेक्शन में इसकी खोपड़ी के पीछे दो बिल्डिंग ब्लॉक लगा देने हैं। उसके बाद आगे के ब्लॉक को तोड़ना है, इस सनफ्लावर को भी तोड़ देना है, इस डर्ट ब्लॉक को भी। उसके बाद गाइज हमको वेस्ट डायरेक्शन में नीचे की तरफ आना है, इस एंड सिटी के गेटवे के इधर हमको गाइज दो पॉडजॉल ब्लॉक लगाने, पीछे के ब्लॉक को तोड़ देना। अभी आगे वाले पॉडजॉल ब्लॉक के ऊपर रेड मशरूम खड़ी कर देनी है और इसके ऊपर धै बोन मिल, धै बोन मिल, धै बोन मिल मार मार कर इसको ग्रो कर देना है। जैसे ही गईज इसका वृक्ष ग्रो हो जाएगा, तो गईज ये जो रेड मशरूम का वृक्ष है ना, ये अंदर के पोर्टल को तोड़ देगा। और पोर्टल टूटने के बाद आपको वृक्ष की कटाई कर देनी है, बस आपको बेडरॉक बेडरॉक ब्लॉक को छोड़ना है। और अभी हमको क्या करना लल्ला, इस वाले ब्लॉक को भी गईज इधर से तोड़ देना है। और गईज इधर हमको एक ऑप्सीडियन ब्लॉक लगाना है, इसके पीछे दो ऑप्सीडियन ब्लॉक लगाकर ना, इसके पीछे हमको एक 3x3 का ऑप्सीडियन ब्लॉक का प्लेटफॉर्म बना लेना है। ऐसा ऑप्सीडियन प्लेटफॉर्म बनाने के बाद इसके आगे के दो ऑप्सीडियन ब्लॉक को ठुचुक कर देना है, इसके नीचे के डर्ट ब्लॉक को भी ठुचुक करके आपको इस एंड सिटी के पोर्टल के ऊपर के हर एक बेडरॉक ब्लॉक के ऊपर एक एक ऑप्सीडियन ब्लॉक लगाना है। अभी आपको गेटवे के नीचे आ जाना है और नीचे वाले बेडरॉक ब्लॉक के और भी नीचे हमको पांच बिल्डिंग ब्लॉक प्लेस करने हैं। अब इसके आगे आप एक बिल्डिंग ब्लॉक की लेयर प्लेस कर सकते हो, कहीं पर भी, जैसे भी आपकी मर्जी हो, जितनी भी बड़ी आप लेयर प्लेस करना चाहो उतनी कर सकते हो। गाइज आप अपने इस आईलैंड तक जा सकते हो, इट्स नॉट जरूरी बट यूजफुल। अभी गाइज हमको क्या करना है, हमने जो पाँच ब्लॉक प्लेस किए थे ना, ऊपर के चार ब्लॉक को तोड़ देना और पाँचवें ब्लॉक के ऊपर एक चेस्ट प्लेस करनी है, जिसके ऊपर क्राउच होकर एक हॉपर कनेक्ट करना है। और गाइज इस हॉपर के चारों तरफ हमको एक एक बिल्डिंग ब्लॉक चिपका देना है। अभी इस हॉपर के चारों तरफ के ब्लॉक्स के आगे हमको 9-9 बिल्डिंग ब्लॉक्स और लगाने हैं और इधर एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना लेना है। इन सभी ब्लॉक्स को गाइज हमको आपस में मिला देना है और इधर एक प्लेटफॉर्म बना लेना है। तो गाइज अपना प्लेटफॉर्म बनकर रेडी हो चुका है। अब इस प्लेटफॉर्म के चारों तरफ हमको 8-8 ब्लॉक हाइट की चारों तरफ वॉल्स यानी कि दीवारें खड़ी कर देनी हैं। इतना काम करने के बाद गईज हमको अपनी इसी वाली डायरेक्शन में चले आना है और इस डायरेक्शन की जो ये दीवार है, इसके अंदर एक छेद करना है। आपको ऊपर से तीसरे ब्लॉक को तोड़ देना है, मिडल वाले को, और इधर एक डिस्पेंसर प्लेस कर देना है।
अभी इस डिस्पेंसर के पीछे साइड में नीचे एक बिल्डिंग ब्लॉक प्लेस करना है, जिसके ऊपर क्राउच होकर आप डिस्पेंसर के पीछे एक हॉपर कनेक्ट कर देना। इस हॉपर के ऊपर हमको एक डबल चेस्ट फैक्टर मारनी होगी। पेटी लगाने के बाद हमको इस डिस्पेंसर के लिए एक रेडस्टोन क्लॉक बनाना पड़ेगा। तो इधर एक रेडस्टोन डस्ट फैक्टर, हमको इसके पीछे एक बिल्डिंग ब्लॉक लगाना है। इस बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर हमको एक रेडस्टोन रिपीटर चिपकाना है, जिसके पीछे एक रेडस्टोन टॉर्च ठोक कर हमको इसके आगे एक बिल्डिंग ब्लॉक और टॉर्च के ऊपर एक बिल्डिंग ब्लॉक लगा देना है। ये रेडस्टोन क्लॉक बनकर रेडी हो गया। ये ज़्यादा टिप टिप ना करे इसलिए इसको बंद कर देना। अभी गाइज हमको ना इधर अपने खड़े होने के लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाना है, तो आप बना लेना। और अभी बात कर लेते हैं गाइज मकसद की। गाइज अपना जो मेन मोटिव है ना, यानी कि मकसद, वो है इस पेटी के अंदर अंडे भरना। तो आपके पास जितने भी अंडे हो ना, सब अंडों को इसके अंदर भर देना। और मैं रिकमेंडेड करूँगा इसके लिए आप एक अंडा फार्म बना ले, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पेटी के अंदर अंडे भरने के बाद आपको फार्म के अंदर पानी भर देना है। तो आपको चारों तरफ की बॉल्स के ऊपर वाले ब्लॉक के आगे एक एक वाटर बकेट डाल देनी है। और अभी गईज, हाँ गईज एक चीज़ और, हमने गईज इस पोर्टल के ऊपर के बेडरॉक ब्लॉक के ऊपर तो ऑप्सीडन ब्लॉक लगा दिए, उसी तरीके से गईज हमको नीचे के ऑप्सीडन के बेडरॉक के नीचे मतलब गईज हमको ना इन बेडरॉक के नीचे ऑप्सीडन ब्लॉक लगा देने। बात खत्म। अभी गईज हमको क्या करना है, हमको गईज अंडे फोड़ने हैं। तो अंडे फोड़ने के लिए लीवर को ऑन कर देना, उसके बाद ये डिस्पेंसर इन अंडों को बाहर की तरफ फेंकता रहेगा, जिनमें से चूजे निकलते रहेंगे। और गईज आपको तो पता ही होगा, काफ़ी सारे अंडों में से एक दो चूजे ही निकल पाते हैं। तो गईज आपको काफ़ी सारे मुर्गी के अंडे चाहिए, क्योंकि जितने चूजे अंडों में से निकलेंगे उतने ही बीदर रोज आपको फार्म से मिलेंगे। इसलिए गाइज आप कोशिश करना कि एक बारी में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडे फोड़ना और ज़्यादा से ज़्यादा चूजे निकालना। और इसके लिए आपके पास एग फार्म जरूर होना चाहिए, जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी गाइज देखो एक और इम्पोर्टेंट बात, आपका जो एंड सिटी का गेटवे है ना, वो गाइज आइलैंड से कहीं पर भी हो सकता है। अगर गाइज आपका एंड सिटी का पोर्टल आइलैंड के बिल्कुल ऊपर है, तो तब तो गाइज कोई दिक्कत नहीं है, तब गाइज आप आसानी से फार्म के ऊपर नीचे आ जा सकते हो। अगर गाइज आपका एंड सिटी का गेटवे जो है वॉइड के ऊपर है, तब गाइज आप क्या करना, फार्म से आइलैंड तक एक रास्ता बना लेना आपका, मतलब जैसा भी सिस्टम बने उस हिसाब से, और उसके ऊपर लैडर्स लगा देना। और गाइज आप उस रास्ते को थोड़ा सा सेफ सा बना लेना, ताकि आप वॉइड में ना गिर जाओ। तो इसके बाद गईज हमको फार्म के अंदर छलांग मारनी है। और सबसे पहले तो गईज हमको इन चूजों के ऊपर एक जहर की बोतल फेंक कर मारनी है। तो आप इस प्लस पोशन ऑफ पॉइजन का इनके ऊपर एक बोतल फेंक कर मार देना, जिससे इनकी थोड़ी सी हेल्थ कम हो जाए और ये एक बारी में ही मर जाएं। इसके बाद गईज हमको इधर एक बीदर स्केलेटन, यानी नहीं नहीं बीदर बॉस स्पॉन कराना है। तो आप इस तरीके से चार सोल सैंड लगाकर इसके आगे तीन खोपड़ी लगा देना और अपना बीदर स्पॉन हो जाएगा। उसके बाद गईज आप तुरंत इधर से भाग जाना, वरना गईज ये ना आपको भी फाड़ देगा, खुद भी फट जाएगा। और जैसे ही गईज ये फटा तो लड्डू बटा, नीचे के गईज जितने भी चूजे थे वो मर जाएंगे, और उनसे हमको बीदर रोज मिल जाएगा, जो कि अपनी नीचे वाली चेस्ट के अंदर जाकर कलेक्ट हो जाएंगे। बाकी गईज बात रही अभी इस बीदर की, तो गईज आप इसको इधर मरने देना, ये गईज इधर ही फंस फंस कर इसका ना दम घुट जाएगा और ये मर जाएगा। तो जब तक ये मरता है तब तक आप इधर उधर मज़े ले लो। और गईज एक बात याद रखना कि इस फार्म के लिए अंडे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इस फार्म को दोबारा यूज करने के लिए आपको फिर से चूजों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक एग फार्म बना लेना। बाकी गईज जैसे ही बीदर मर जाए, तो आप सबसे पहले तो नेदर स्टार को कलेक्ट कर लेना। तो आप फिर से इधर जितने भी ब्लॉक टूट गए हैं ऑक्सीडन के, उनको लगा देना। और आप इधर कोने में दो टेम्परेरी ब्लॉक लगाकर सबसे पहले नेदर स्टार को कलेक्ट कर लेना, और इधर कोई बीदर स्केलेटन स्पॉन हो तो उसको टपका देना। और भूलना मत गईज, एक बार फार्म को यूज करने के बाद आपको दोबारा से इस फार्म को यूज करना है, तो आपको फार्म से फिर से सेम टू सेम बनाना होगा। जो भी ऑक्सीडन का ब्लॉक टूटा है उसको फिर से प्लेस करना होगा।
और अभी बात कर लेते हैं बीदर रोज़ की। तो अपने फार्म से जितने भी बीदर रोज़ हमको मिले हैं वो अपनी नीचे वाली चेस्ट के अंदर जाकर कलेक्ट हो गए होंगे। उधर से आप बीदर रोज़ को ले लेना। जितने भी चिकन आपके फार्म के अंदर स्पॉन हुए होंगे उतने ही बीदर रोज़ आपको मिलेंगे। तो यही है गाइज एक बीदर किलर या बीदर रोज़ फार्म या नेदर स्टार फार्म, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इसके लिए एक लाइक ठोको और इसको अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो। बाकी शेयर कमेंट जो भी आप करना चाहो कर देना।